स्वागत है एक बार फिर से आपका केसीएल ट्यूटोरियल चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक है हमारा नया, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का, यूनिट नंबर आखिरी चल रहा है 5। और हम लोग अपने लास्ट क्लास में साइक्लोएल्केन के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर लिया था। आज क्लास में हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कैसे इसको हम बना सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन के द्वारा हम सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहला रिएक्शन है बाय द फ्रंट्स मेथड। ये फ्रंट्स मेथड क्या है? फ्रंट्स ने कहा कि जो आपके डाइब्रोमो एल्केन्स होते हैं, व्हाट इज द डाइब्रोमो एल्केन, यानी एल्केन के दोनों साइड पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है। अब ये डाइब्रोमो एथेन हो सकता है, डाइब्रोमो प्रोपेन हो सकता है, डाइब्रोमो ब्यूटेन हो सकता है, डाइब्रोमो ऑक्टेन नॉनेन डेकेन पेकेन कुछ भी हो सकता है। इसका आप रिएक्शन कराइए जिंक के साथ। जब जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे और आप इसको हीट करेंगे तो जिंक ब्रोमाइड सॉल्ट ZnBr2 सॉल्ट बाहर निकलेगा और वो जो आपका पर्टिकुलर एलिफेटिक एल्केन है वो साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे, देखिए पहला रिएक्शन आप समझ लिया, देखिए 1 2 3 प्रोपीन है तो डाइब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या है दोस्तों, डाइब्रोमो प्रोपेन, तीन रा कार्बन है, प्रोपेन और ब्रोमीन लगा। अब जिंक के साथ ला गर्म करिए तो जिंक क्या करता है, एक जिंक इस Br को पकड़ लेगा, एक इस Br को पकड़ लेगा और यहां से ZnBr2 अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2, दिस इज CH2 और यहाँ पे CH2, यहाँ से Br अलग हो गया और Br चला गया जिंक के साथ, दिस इज कॉल्ड जिंक ब्रोमाइड ZnBr2 और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया, दिस इज साइक्लो प्रोपेन, सॉरी ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड साइक्लो प्रोपेन। देखिए ये फ्रेंड्स मेथड से हम किसी भी कंपाउंड को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं साहब, चलो डाइब्रोमो ब्यूटेन ले लेते हैं, डाइब्रोमो प्रोपेन था, ये ब्यूटेन है, देखो 1 2 3 4 चार कार्बन ब्यूटेन और यहाँ पे ब्रोमीन। तो सेम कहानी होगा, जिंक के साथ निकलेगा ये आपस में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, जब जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ बनेगा और यहाँ से ZnBr2 बाहर निकलेगा और इनको आपस में जोड़, दिस इज साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरह से आप साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन कुछ भी बना सकते हैं जो आप चाहे फ्रिंड्स मेथड से। फ्रिंड मेथड एक ये किसके लिए था, ये पहला तरीका था फ्रिंड्स मेथड नंबर ए बाय द डाइब्रोमो एल्केन्स। अब दूसरा है कि एल्कीन की सहायता से आप कैसे बना सकते हैं। एल्कीन की सहायता से बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आप एल्कीन के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ पे आपके सामने एथीन है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और इस पे यूवी लाइट डालिए या एचन्यून एनर्जी जब ट्रांसफर करेंगे तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होंगे। देखो मैं बताऊँ, देखो दोस्तों ये एग्जाम्पल मैं रिएक्शन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक दूसरा मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी देख रहे हैं क्या है, दो मॉलिक्यूल है एथाइलीन के। अब क्या होगा, जब HNO के साथ रिएक्शन होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा ना इस तरह से, ये डबल बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, उसी तरह से यहाँ डिसोसिएट होगा ये वाला बॉन्ड, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ। आपको पता है कि जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो दोनों तरफ क्या होता है, एक एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा, जब दोनों तरफ बन गया फ्री रेडिकल, किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से, अब ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ यहाँ जुड़ जाएगा और इससे ये जुड़ जाएगा, तो जो एलिफैटिक था क्या बन गया, साइक्लिक बन गया, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। ओके दोस्तों क्लियर हो गया, तो ये है साइक्लो एल्केन बनाने का पहला मेथड, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स मेथड। अगर आप इसको लिखना चाहें वर्डिंग में तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन डाइब्रोमो एल्केन इज रिएक्टेड विद द जिंक डस्ट एंड आफ्टर हीटिंग दे गिव्स साइक्लोप्रोपेन साइक्लो एल्केन्स एंड जिंक ब्रोमाइड सॉल्ट इज रिमूव्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं दूसरे में, इन सेकंड मेथड व्हेन द एथीन मॉलिक्यूल इज रिएक्टेड विद द विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन दे फॉर्म द साइक्लोब्यूटेन बाय द एडिशन रिएक्शन बाय द एडिशन रिएक्शन। ओके अगला मेथड है डिकमैन्स कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों, ये मैकेनिज्म कैसा है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। तो डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हम दो एक ईस्टर का मॉलिक्यूल लेते हैं, उस ईस्टर के मॉलिक्यूल के साथ खासियत क्या होनी चाहिए कि उसमें दो ईस्टर ग्रुप जुड़े होने चाहिए। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है एडिपिक एसिड का, देखिए एडिपिक एसिड में क्या है, CH2 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 ब्यूटेन हो गया और COO C2S5 COO C2S5, दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। अब ये कैसे रिएक्शन करेगा आपको बताता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो C2S5OH एथेनॉल होता है, H हटा के Na लगा दो तो क्या हो जाएगा, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड के साथ एडिपिक ईस्टर का रिएक्शन कराना है। तो कैसे होगा दोस्तों, देखो यहाँ से क्या करना है, ये C2H5 एक यहाँ का और यहाँ का, ये C2H5 ये बाहर हो जाएगा इसके साथ निकल के, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, दिस इज CH2 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 CH2, ये इतना तो कॉमन है, इस कॉमन के साथ क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका C2H5OH यानी एथेनॉल एल्कोहल यहाँ से अलग हो जाएगा
और एल्कोहल आने के बाद ये मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर आकर आप इस स्ट्रक्चर को चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ये सी के साथ ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, यहाँ भी इसको बना सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, बात वही हुई। तो एक यहाँ से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है और ये बन रहा है। तो कौन सा कंपाउंड, कीटोन कंपाउंड बना, दोस्तों नाम देखो 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेनोन। देखो 5 कार्बन की रिंग है और इसमें कीटोन ग्रुप लगा है, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेनोन। अब कैसे करेंगे इसको मेथड, अगले मेथड में इसका करा दो रिडक्शन। जब रिडक्शन कराओगे तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है, रिडक्शन कराने पर ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और इसीलिए क्या करो, जिंक डस्ट ले लो या आप निकिल प्लेटिनम ले लो या आप लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, कोई भी आप एक रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके रिडक्शन के लिए। जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे ओ निकलेगा और इसके यहाँ पे एच टू ऐड हो जाएगा, अब क्या मॉलिक्यूल बनेगा, सी एच टू और यहाँ पे सी सी एच टू और सी एच टू। देखिए यहाँ पे क्या था दोस्तों, सी डबल बॉन्ड ओ था, अब इस ओ को हटा के यहाँ पे एच टू ऐड कर दो और यहाँ पे एच टू को बाहर निकाल दो, ये हमारा बन गया साइक्लोपेंटेन। और हम लोग यही सीख रहे थे कि कैसे हम लोग बनाएंगे हमारे एलिफैटिक यानी साइक्लिक एल्केन कैसे बनाएंगे, ये दूसरा मेथड है, इसे कहते हैं डिकमैन कंडेंसेशन मेथड, आपको मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे मेथड की, दिस इज कॉल्ड डायल सिलेंडर मेथड। तो डायल सिलेंडर मेथड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही खास स्टूडेंट है, बहुत ही टैलेंटेड है, सीरीज टॉपर ऑफ डिप्लोमा के, वो बी फार्मा कर रही हैं, महाराष्ट्र से हैं, उनका नाम है शिल्पा उपाध्याय, ठीक है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आपको इस पूरे 5 यूनिट से जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म बहुत आता है, 2-4 क्वेश्चन फिक्स है, 10 नंबर का आएगा ही अगर मैकेनिज्म, तो उन्होंने कहा कि सर आपको 5 यूनिट पूरा होने के बाद आप मुझे, उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी हुई है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैकेनिज्म कई बार पूछे गए एग्जाम में सभी बोर्ड के हिसाब से, तो उस इस 5 यूनिट खत्म करने के बाद मैं 2-3 क्लासेज और लूंगा और सारी मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगा। तो आप सबको भी थैंक यू बोलना चाहिए शिल्पा को, जिन्होंने ये काफी अच्छा काम किया है आपकी पढ़ाई के लिए। तो अगला मेथड है डायल सिलेंडर रिएक्शन की बात करें, तो डायल सिलेंडर रिएक्शन कैसे करता है आपको पता ही है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक हमारे पास डाई इन होता है, दिस इज डाई इन, देखिए 1 2 3 4, तो बोल सकते हैं 1, 3 डाई इन ब्यूटेन, देखो ये क्या है, ब्यूटेन है, और एक होता है एन, ठीक है, इसको बोलते हैं एडक्ट बोलते हैं। तो अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, जब भी ये रिएक्शन करेगा दोस्तों ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हमारा कंपाउंड बन गया दिस, और ये कंपाउंड बन गया जिसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। देखिए यह है साइक्लोहेक्सेन, ये भी डायल सिलेंडर के रिएक्शन से हम इसको बना सकते हैं, इसको इस प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं, इस प्रोडक्ट को डाई इन कहते हैं और इस प्रोडक्ट को इन कहते हैं, यानी एक डबल बॉन्ड है, तो डाई इन और इन जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं रिएक्शन के बाद साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैकेनिज्म समझना कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिएक्शन है, अब इसको बॉन्ड रोटेट करा दो, इस बॉन्ड के यहाँ रोटेट कराओ, इस बॉन्ड के यहाँ रोटेट कराओ और इस बॉन्ड के यहाँ रोटेट कराओ। आपको पता है जब भी कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड रोटेट होता है तो वो टूटता है प्लस और माइनस में, तो ये बॉन्ड जहां जाता है वहां माइनस और जहां जाता है वहां प्लस, ये जहां जाता है वहां पे माइनस और जहां से आएगा वहां पे प्लस, और ये जहां जाएगा वहां पे एक बॉन्ड ये भी खत्म कर दो, जहां जाएगा यहां माइनस और यहां पे प्लस, अब प्लस माइनस को जोड़ दो, इसको यहां जोड़ दो, इसको यहां जोड़ दो और इसको यहां जोड़ दो, यानी एक कंपाउंड ये बनेगा, दिस इज साइक्लोहेक्सीन नॉट हेक्सेन, दिस इज कॉल्ड हेक्सीन, ठीक है। तो ये हमारा है डायल सिलेंडर रिएक्शन, 3 रिएक्शन मैकेनिज्म हो गए, अब बाकी 2 और देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से रिएक्शन कर सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर 4 की, दिस इज द क्लेवेंसन रिडक्शन रिएक्शन, कि इस रिएक्शन से हम लोग कैसे बना सकते हैं साइक्लोएल्केन। तो रिडक्शन से नाम से लग रहा है यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, देखिए ये साइक्लो क्या है, हेक्सेनोन, आपको दिख रहा है कि साइक्लो रिंग के साथ हेक्सेन ओन ग्रुप लगा है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनोन। तो दोस्तों जब साइक्लोहेक्सेनोन करेंगे तो इसका जब जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्शन करा, ध्यान दीजिएगा जिंक अमलगम यानी HG मरकरी को अमलगम कहते हैं, जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे हो जाएगा रिडक्शन, और जब रिडक्शन होगा तो ये जो डबल बॉन्ड ओ है ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां भी हट के क्या लग जाएगा H2, और दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। ओके, क्या बन गया साइक्लोहेक्सेनोन से, साइक्लोहेक्सेन, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, H2 आप ना दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्लेवेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, कि इस रिडक्शन रिएक्शन से कैसे हम बना सकते हैं आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगला है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये भी रिडक्शन है और सेम कंपाउंड, बस ध्यान क्या देना है, सेम रिएक्शन होगा, इस वाले रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट है वो जिंक अमलगम HCl है, एम्लिकेटेड जिंक HCl, और इस वाले में जो हाइड्राजीन है NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो ये भी सेम काम करेगा, ये रिडक्शन का काम करता है, और यहां से ये जो होगा वो यहां पे जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
इसको या इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए, ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेनो। बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है ये। अलग अलग रिएक्शन हमने पांच तरीके बताए कि हम साइक्लोहेक्सेन्स को कैसे बना सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको लिखना है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, थोड़ा सा वाटर से हल्के होते हैं, थोड़ी से एरोमा होती है, थोड़ी सी खुशबू होती है, ये सब बातें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड है kclpharmacy.com, आप वहां पर देख कर लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके केमिकल रिएक्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो केमिकल रिएक्शन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और थैंक यू सो मच आप सबके लिए।